हद कर दिया आपने। आ गई जान, ये देखो मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे क्या जानू, सारा दिन काम ही काम। पता आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो अब कुछ खा लो, ठीक है? और एक बात सुनो, तुम्हारे बिना तो मैं पानी भी नहीं पी सकती, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे मत जताओ इतना प्यार यार, तुम्हें पता है तुम्हारी ये मीठी सी आवाज सुनती है ना, मेरी भूख है ना रफू चक्कर हो जाती है, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं होती कि मैं कुछ खाऊं। मगर इन मीठी मीठी बातों से जनाब पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। अब चलिए कुछ खा लीजिए। अरे यार चलो फिर डालो, मैं आ रहा हूँ। नहीं आपको लेके जाऊंगे। अच्छा, अरे यार क्या प्यारी बीवी मिली है सच्ची। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। गुलाबो, ए गुलाबो, सुबह से रसोई में तू बिरबल की खिचड़ी बना रही है और मेरे पेट में चूहे ब्रेक डांस कर रहे हैं, जल्दी खाना लेके आ। ये बिजली पड़ गई, दो मिनट रुक नहीं सकते, देख नहीं रहे कब से बना रही हूँ धूप में इतनी गर्मी में, हा? जब देखो चिल्लाए जा रहे हो। मेरे साथ जुबान लड़ा रही है तू, जरा सामने तो आ। मेरे दादा ये आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, आंखें नोच लूंगा तेरी। नोच के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। पहले तुम मुझसे ना थोड़ा दूर से बात कर। ये 5 साल हो गए तू एक ही सूट पहन रही है, तेरी माँ के घर से तू एक ही सूट लाई थी क्या, पता है क्या? मरे हुए भैंसे के जैसी बदबू आती है सूट में। देखो जी मेरे माँ बाप तक ना जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मेरे माँ बाप ने कम से कम ये सूट तो दिया, तुम्हारी औकात तो एक रुमाल तक देने की नहीं है, समझे? बात करते हो। मैं ना तेरे माँ बाप तक भी जाऊंगा, तुझे लेने गया था ना फेरे के टाइम तो तेरे माँ बाप कैसे, प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी, कितने ढोंग करने पड़े थे मुझे। और तू सूट की बात कर रही है ना, सूट की, तुझे पता है क्या, इसके चक्कर में मैं रुपयों की कुर्बानी दे रहा हूँ, कुर्बानी। और ना मेरे भी कोई कपड़ों के थान नहीं फट रहे, ये देख 5 साल से मैं भी यही सूट पैंट पहन रहा हूँ। इसके चक्करों में अगर रुपयों की कुर्बानी दे रहे हो ना तो आज रोटी की भी दे दो, अपने आप पका के खा लेना, समझे? तू मुझे पढ़ाई करने दे, पढ़ाई, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बताया था ना। क्यों कागज खराब कर रहे हो, 5 साल पहले भी तुम प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, बन गए। आयो बड़े पकड़ो, अपने आप बना लो और खा लो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तू निकल जा यहाँ से वरना मैं तुझे दांतों से खा जाऊंगा और तुझे मलेरिया हो जाएगा। तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है, हा? हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। देख बेटा मैं तो प्रधानमंत्री बन नहीं सका, अब है ना सारी की सारी बागडोर तुझे सौंपता हूँ मैं। तू अच्छे से तैयारी करना, लेकिन कभी शराब मत पीना, शराब पीने से लीवर खराब होता है। ये तेरी माँ हो गई या महिषासुर हो गई, खाना ही नहीं ला रही। ए इधर आ तू, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूँ, खाने के लिए चिल्ला रहा हूँ, मैं भूखा बैठा हूँ, मेरा ये सपूत भूखा बैठा है, इसे प्रधानमंत्री बनाना है मुझे पटाखे। तुमसे मैंने कहा था कि मुझे आटा ला के दो, तुमने ला के दिया, आटा नहीं है तो रोटी कहाँ से पकाऊंगी? तू आटे का तो डाटा खर्च कर देती है मोबाइल में, तुझे क्या मतलब है? खसम तेरा पति परमेश्वर भूखा बैठा है बेटा, तू जा, तेरे से सहन नहीं होगा, तू जा जा, जा।, जा। राम खोर है, मुझे तू ये बता, रसोई में सारा दिन बैठी रहती है, कोई काम धंधा करती नहीं है, मैं कब से भूखा बैठा हूँ, तू खाना नहीं बुला सकती मेरे लिए?
तुमने मुझे आटा ला के दिया। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ये जो नकली वाले है ना, तूने मुझे 3 साल पहले चटवाए थे ना, मेरे पैसे खर्च किए, तोड़ दूंगा मैं, मेरे पैसे लगे हुए इसमें। कितने झूठे हो, इसके पैसे तो मैं अपनी माँ बाप के घर से लेके आई थी। हाँ, यही तो मैं तुझसे कहना चाहता था कि तेरे दांत नकली तो है। नकली नहीं है, कीड़ा लगा था उसमें बस। तुझे पता है क्या, ये कीड़े देख देख के मेरे पूरे शरीर में कीड़े चढ़ गए। तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तलाक दे दे तू। ये मेरा भी घर है, समझ गए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे तुमने शादी करके। मैं तेरे बाल है ना, बाल ये है ना, ये तू सोच ले दंगा हो जाएगा। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मेरे को मार दिए तू। तू निकल मेरे घर से बदतमीज। तो ठीक है, तू रख तेरे घर को, ठीक है ना, ले ना कोई दूसरा पति, मैं निकल रहा हूँ। इतनी जोर से कोई हाथ मोड़ देगी। हद कर दी आपने, हद कर दी।